मदिया जी, ये जो टाइम था, आपने जैसे कहा कि आप यूएस गई और वो जो आपकी एथियस्ट दोस्त थी उसने जब आपसे कहा, तो आप ये चाह रही थी कि मैं उसको इस्लाम में लेके आऊंगी, और आपने फिर से पढ़ना शुरू किया, फिर आपको ये जो किताबें मिली, कितना अरसा इसमें, आई मीन अरसा नहीं बोलूंगा, कितने साल गुजरे आपको इसमें, कितना वक्त लगा? मुझे 2 साल लगे, लाइक मुझे मतलब मैं इसमें, क्योंकि मैंने 2-3 दफा कुरान पढ़ा. उसके बाद मैं ये नहीं कि मैं फिर क्रिटिकली कुरान को पढ़ना शुरू हुई, कि मुझे डाउट पूरा हो गया था, बट आई वॉन्टेड टू मेक श्योर आई एम मेकिंग द राइट डिसीजन. क्योंकि जाहिर है मजहब को तो नहीं आप छोड़ना, इतना आसान नहीं है मजहब को. आप किसी को कहें नहीं ये तुम अल्लाह तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं. आप वही करते हैं जो जलेबियां, मैं भी जलेबियां बनाती थी अपनी फ्रेंड के आगे. मेरी फ्रेंड बल्कि अब मुझे याद कराती है कि मैं कैसे जलेबियां बनाती थी, कैसे मैं रैशनलाइज करने की कोशिश करती थी. लेकिन जब मुझे हुआ कि पक्का यकीन हो गया कि ये झूठ है, फिर मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू मेक श्योर बिकॉज आई एम वेरी मिटिकुलस, मैं आई एम मेकिंग द राइट डिसीजन. तो फिर मैंने कुरान को एज ए क्रिटिकल क्रिटिकल आई से पढ़ना शुरू किया. उसके बाद मुझे इतनी चीजें नजर आती थी. फिर तो जब आपके अकीदत की पट्टी आप हटा के जब कुरान को पढ़ते हैं ना, कि एज एन एवरेज बुक, तब आपको कुरान जस्ट डजंट मेक सेंस. क्योंकि मेरा ख्याल है वो क्रिस्टोफर हिचिन ने कहा था, नो वन एवर सैट डाउन ऑन ए वीकेंड टू रीड कुरान. लाइक किसी कोई भी अपने फारिग टाइम में, बाहर बारिश हो रही है, अच्छा सा मौसम है, और आप उठाएं कुरान पढ़ें कि चलो कुरान पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बुक है. क्योंकि उसमें इतनी बोरिंग है कि कुरान, इतनी खुदा का इतना नेगेटिव है, ऐसा लगता है खुदा बाइपोलर है. एक एक वक्त कह रहा है मैं जन्नत में डालूंगा, फिर जहन्नम में डालूंगा. एक जो इंसान है ना जिसके दिल में जरा सा भी हमदर्दी है, दूसरे इंसानों के लिए प्यार है, इसके बावजूद कि उनका क्या मजहब है. अगर आपको इंसानों से मोहब्बत है ना, और आपको ये फिक्र नहीं है कि किसका क्या मजहब है, तो आपको ये बुक हजम नहीं होगी. तो मुझे ये बात हजम नहीं होती थी कि सिर्फ आप मुसलमान होने की वजह से जन्नत में जाएंगे और बाकी लोग जहन्नम में जाएंगे. आप जैसे दूसरे इंसान, उन्होंने क्या किया है, वो तो उस मजहब में पैदा हुए, इसलिए वो उस मजहब में है, तो उनका सिर्फ ये कसूर है कि वो गलत मजहब में पैदा हुए हैं. तो फिर आप ये सोचते हैं कि उनको तो पैदा भी अल्लाह मियां ने उसी मजहब में किया, तो वो सबको मुसलमान पैदा कर देते. मतलब ये आप इस तरह के क्वेश्चन सोचते हैं. तो मुझे लगा कि खुदा पैसिव अग्रेसिव है, कभी मतलब बहुत अच्छा है, फिर बहुत मतलब जस्ट इट्स अ वेरी टॉक्सिक बुक. मुझे ये लगा टॉक्सिक है, ठीक है. जब मैं ये अपने एक फ्रेंड्स के सामने कह रहे थे, तो वो कह रहे थे आपको इसलिए टॉक्सिक लगी है बुक क्योंकि आपके अंदर इंसानियत ज्यादा है, कंपैशन है. लेकिन जब एक मजहबी मुसलमान जो है इस किताब को पढ़ता है, समझे कि आइसिस टाइप का मुसलमान या तालिबान टाइप का मुसलमान, तो वो बड़ा इट गिव्स द बूस्ट टू योर ईगो के मैं जन्नत में जाऊंगा और बाकी जो है जहन्नम में जाएंगे. सो इस इट डिपेंड्स कि आपके अंदर कितनी ह्यूमैनिटी, कितना कंपैशन है. अगर आपके कंपैशन होगा तो आप जरूर कहेंगे कि बाकी क्यों जाएंगे, उनका क्या कसूर है. अब वो भी आप ही की तरह के इंसान है, डेली अपनी जॉब पे जाते हैं, कमाते हैं, घर वापस आते हैं, बच्चों के साथ खाना खाते हैं. लाइक व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंट अदर देन द रिचुअल्स. रिचुअल्स ही है ना जो हर मजहब में डिफरेंट है. और खुदा का कॉन्सेप्ट तो है, किसी में एक है, किसी में कई है, किसी में कोई खुदा नहीं है उनके, वैसे ही बुद्धिज्म जिस तरह है. तो इसमें फिर आपको ये होता है कि सिर्फ इस वजह से, फिर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये इसका और अल्लाह इतना इरेशनल है कि वो समझता नहीं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है. आप बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इस नतीजे पे पहुंचे हैं, तो सिर्फ इस नतीजे पे, उस जहन के जरिए जो अल्लाह ने ही आपको दिया है, अगर आप इस पे पहुंच गए हैं, तो वो आपको इस चीज के सोचने की बस सजा देगा आपको. तो ये बातें जो है ना बड़ी फिलोसॉफिकल है, ये लोगों को चाहिए कि वो सोचें. अब मैं कुरान की बात आती हूँ कि जो जो चीजें जो फाइनल मुझे लगा कि दिस इज नॉट रिटन बाय गॉड, इट इज रिटन बाय सम ह्यूमन, और ह्यूमन का कलाम है. एक वाक्या था जो जिनको अब वर्सेस ऑफ कन्वीनियंस कहा जाता है, जो सेल्फ सर्विंग वर्सेस इन प्रॉफिट की अपनी जिंदगी पे हैं. एक तो वो आयशा की जब हार गुम हो जाता है ना, तो उसमें एक वर्स है पूरी आयशा के हार के गुम होने की स्टोरी है. फिर अल्लाह मियाँ एक स्पेशल आयत भेजते हैं कि आयशा जो है वो इनोसेंट है. एक और वो मुझे वर्स पढ़ के हुआ कि यार यार ये खुदा की आखिरी किताब में क्या करी है वो वर्स, हम क्या करें इस स्टोरी का. व्हाट आर दिस सपोज, हाउ अ ह्यूमन ऑफ टुडे इज सपोज टू मेक सेंस ऑफ दिस आयत. लाइक हम क्या करें स्टोरी को सुन के. उस वक्त वो होगा वाकया, लेकिन इसका 33 की 50 आपने पढ़ी है मदिया जी?
कौन सी? 33 सूरह हिजाब की 50, शायद ये भी आपने पढ़ा होगा तो बड़ा अजीब लगा होगा। कौन सी वाली? मैं मुझे याद नहीं, मैंने पढ़ी पढ़ा शेयर तो। करता हूँ, शेयर करता हूँ, बड़ी कॉमेडी वर्स है। एक मिनट रुको यार, वो कौन सी वाली आया थे, फूफू की बेटियां मामू की, हाँ यही वाला है। हाँ, वो पढ़ी है वो। या इट डजंट मेक एनी सेंस कि अल्लाह ने तुम पर ये पप्पू की कौन सा बेटियां। खुदा है भाई, ये जो आखिरी कलाम में है इस तरीके की बात कर रहा है। नीचे लेके आइए थोड़ा, ट्रांसलेशन में। हाँ उर्दू में, देखिए मैं भी पढ़ देता हूँ यहाँ से। ये देखिए आयत क्या कहती है, ऐ नबी हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनके मेहर तुमने अदा किए हैं, और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लौंडियों में से तुम्हारी मिल्कियत में आई, और तुम्हारी वो चचाजात और फूफीजात और मामूजात और खालाजात बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो मोमिन औरत जिसने अपने आप को नबी के लिए हिबा किया हो, अगर नबी इसे निकाह में लेना चाहे, ये रियायत खालिसतन तुम्हारे लिए है, दूसरे मोमिनों के लिए नहीं है। हमको मालूम है कि आम मोमिन पर इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में हमने क्या हुदूद आयद किए हैं, तुम्हें इन हुदूद से हमने इसलिए मुस्तस्ना किया है ताकि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी ना रहे, और अल्लाह गफूर रहीम है। क्या चल रहा है ये? नहीं, लेकिन उसमें ये देखे ना, इतना बड़ा मसला ये है कि जो कजन मैरिज है उसकी वजह से तो इतनी जेनेटिक डिजीजेज हैं। तो इसका मतलब है जिसने कुरान लिखा है उस वक्त उसको ये नहीं पता था कि कजन मैरिज जो है वो उसकी वजह से लोगों में इतनी बीमारियां, और इसलिए इतनी ज्यादा इस्लाम में जो मुसलमानों में कजन मैरिजेस पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है, और यूके में बल्कि आई थी स्टडी के इतनी ज्यादा जेनेटिक डिफेक्ट्स के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये आयत जो है अल्लाह की नहीं हो सकती है, तो किसी आदमी ने लिखी है, और वो अपनी कोई अच्छे तरीके से बात कर देता कि तुम्हारे जो रिलेटिव्स हैं फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स हैं वो हलाल हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती, सारी जो है शादी ब्याह के उस पे ही घूम रही है, सेक्स पे, सेक्स स्लेव्स पे, इस तरह की। अच्छा, एक और आयत जो थी वो जिसपे मुझे जाके जो प्रॉब्लम हुई वो थी जैनब, जो 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 जैद जैनब की बीवी थी। जैद की बीवी के लिए कि गॉड मेड जो आप अडॉप्टेड बेटे की बीवी से तमाम मुसलमान, वो पता नहीं मुझे कौन से आयत है, तमाम मुसलमानों के लिए उनके मुंह बोले बेटों की बीवियां हलाल हैं। अब ये इतनी स्पेसिफिक आयत के कितने मुसलमान हैं जो अपनी बहू से अपने मुंह बोले बेटे, कितने मुसलमानों की मुंह बोली बेटियां बेटे होते हैं, कितने मतलब मुसलमान हैं जो इस आयत से फायदा उठाया है। अभी भी आजकल के दौर में भी कोई कोई राइट माइंडेड मुसलमान अपनी बहू से शादी नहीं करता। मैंने तो नहीं अपनी अपने रिलेटिव्स में या अपने जानने वालों में किसी को देखा कि अपनी बहू से किसी आदमी ने शादी की हो। आपको मुसलमानों में बहुत कम कोई ऐसी मतलब बहुत ही अनयूजुअल केस होगा जिसमें किसी ने अपनी बहू से शादी की होगी। तो ये दिस जस्ट सर्व द पर्पस टू वन मैन। हमें पता है सिर्फ एक शख्स है जिसने अपनी बहू से शादी की है। मुंह बोले बेटे को भी बेटा ही तो माना जाता है, अगर अडॉप्टेड है तो क्या हुआ। यहाँ पे तो अमेरिका में तो अगर आप बच्चा अडॉप्ट करते हैं आप उस बच्चे को भी कभी कभार नहीं बताते कि आप अडॉप्टेड हैं, दे फाइंड आउट व्हेन दे ग्रो अप। तो उनकी जो बेटी है वो बहू जो है वो आपकी बेटी की तरह होती है। तो कोई भी मुसलमान शादी नहीं करता अपनी बहू से, मुसलमानों को ये बात खुद पता है, और वो इस बात पे क्यों नहीं गौर करते कि इस आयत से सिर्फ एक शख्स का फायदा हुआ, ये सिर्फ एक शख्स के लिए भेजी लिखी गई है। अच्छा मदिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे देखिए ना कि हर जगह पे मोमिन हजरात की हिपोक्रेसी नजर आती है। मोमिन हजरात खुद इस तरीके के काम नहीं करते हैं, लेकिन वो डिफेंड जरूर करेंगे रसूलुल्लाह को, खुद अपने उसकी वजह जी ये खुद। था कि आप हाँ रैशनलाइज करते हैं, आपको बचपन में अरे आपको आयत बहुत ही मजे। एक मिनट, अच्छा ये वाली एक फनी सी क्लिप आपको, जो स्पेशल वो छूट रसूलुल्लाह को दी गई थी, जरा ये भी सुन लीजिएगा। एक शॉर्ट सा वीडियो है हमारे उज्जतुल मुर्तदीन साहब का, लगाइए अमित साहब। देखिए यार, अंधे पर, लंगड़े पर और बीमार पर और खुद पर कोई हर्ज नहीं कि तुम अपने घरों में खाना खा लिया करो। यार ये मुझे बता यार, इसी क्या जरूरत है यार। अपने घरों से खाना
खा लो या अपने बापों के घरों से। हाँ, ये क्या मतलब है इसका? अपने बापों के घरों से या अपनी माओं के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या इनके घरों से जिनकी कुंजियां तुम्हारे पास हो या अपने दोस्तों के घरों से। उसके लिए मुझे अल्लाह मियां को ऊपर से जिब्राइल भेजना पड़ेगा ये बताने के लिए यार। ये वाकई आए, ये कौन से आए थे? मैंने कभी नहीं पढ़ी। 24 की जरा स्टार्टिंग से लगाओ, उस पे लिखा हुआ है 24 की 61 है ना? हाँ, सबसे बड़ी आयत यही है शायद ना, 24 की 61 है। आप नोट डाउन करके रखिए मदिया जी, पढ़ते जाइए और हंसते जाइए। 24 की 61 जी। अच्छा, एक और फिर आयत थी, ये एक तो ज़ैनब वाली स्टोरी हो गई, एक आयशा वाली स्टोरी हो गई, और तीसरी थी वो भी बहुत ही फनी है। मतलब अब वो एक आयत ऐसी आई कि जो अगर तुमने गलती से अपनी बीवी को बहन बुला दिया हो तो या तो तुम इतने दिन रोजा रखो, यू नो 60 दिन, या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, या फिर 60 ऊंटों की कुर्बानी, नहीं या गुलाम आजाद करो या फिर ऊंटों की कुर्बानी दो, यार पता नहीं, आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा गुलाम तो होते नहीं है, इसका मतलब अल्लाह का ये सोल्यूशन एक्सपायर्ड है। उसके बाद मैंने कहा बीवी को बहन कह दिया तो व्हाट्स द बिग डील, सॉरी कर लो। आई मीन मुझे समझ नहीं आई कि व्हाई दिस वाज सच अ बिग डील कि इसको अल्लाह ने एड्रेस किया, लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में लोगों को, लाइक यू नो आप बीमारियां हैं, आप जर्म थ्योरी दे दें, आप कैंसर बता दें, आप प्लेग आया था उस जमाने में, प्लेग का क्योर बता दें, यू नो व्हाई ही हैड टू लाइक सेंड दिस इन हिज लास्ट मैसेज टू ह्यूमैनिटी, हाउ दिस सर्व्स द पर्पस। I just didn't, मुझे ये जो ना मुझे कॉमन सेंस से बियॉन्ड लगी बातें, तो मुझे समझ नहीं आया। अगर कोई रैशनलाइज करता है इन चीजों को और फिर कहता है कि नहीं ये अल्लाह का ही कलाम है, तो आई सीरियसली डाउट, मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा रैशनल तरीके से सोचना चाहिए कि वो क्या मजहब क्या फॉलो करें, इसकी जरूरत क्या है। आजकल के जमाने में हमारे पास कॉमन सेंस है, हम कॉमन सेंस से मसले हल कर सकते हैं अपनी जिंदगी के। मजहब इंसानों को डिवाइड करते हैं, मैंने मतलब आप देखें ना किस तरह अदरिज्म क्रिएट करता है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये जू है, और दुनिया में लोग अभी तक लड़े जा रहे हैं। अब क्या ये मुसलमान और जूज आपस में लड़ रहे हैं? जूज भी उसी तरह अग्रेसिव हैं अपने मजहब के लिए, मुसलमान भी उसी तरह हैं, और फिर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है। वो मतलब ये तो आप ट्राइबलिज्म है, एक जमाना था जब ये मजहब बने थे लोगों को यू नो एक यूनाइट करने के लिए, उनपे कंट्रोल करने के लिए, उनको जंगे करने के लिए। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, ये मतलब बने थे यही कि पीपल वर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। ये मजहब उनको थोड़े से आंसर्स तो देता है ना कि आपको जो लोग बीमार है, समझे किसी का छोटा बच्चा मर जाता है, 6 साल का बच्चा, ठीक है, अब उस माँ को कैसे सुकून मिलेगा, उसको सुकून कैसे ये बताएं कि ये जन्नत में है, बहुत आराम से रह रहा है, और आप एक दफा जब मर जाएंगे आप जाके उसको मिलेंगे तो उसको सुकून मिल जाएगा। अब दुनिया में जो सारे लोग हैं ना वो समझदार नहीं है, मतलब बहुत सिंपल माइंडेड लोग हैं। आपको मैं ये कहती हूँ कि आप आइडियोलॉजी को जरूर क्वेश्चन करें, जो उस आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स है ना वो बेचारे मासूम लोग हैं, वो सीधे साधे लोग हैं, वो उनको बस ये बता दिया है कि ये आइडियोलॉजी है, इसके लिए आपने जान देनी है। अब उस आइडियोलॉजी उसके फॉलोअर्स में से अब कुछ होंगे बहुत अग्रेसिव होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, और कुछ जो बिल्कुल ही उनका IQ बहुत कम होगा, और कुछ लोग होंगे जो लीडर्स होंगे जो बताएंगे कि ये करना है ये करना है। अब देखें जिस तरह आपने अपना चैनल बनाया है, जो या जो दूसरे एक्स मुस्लिम चैनल्स हैं, या फैस है, या हारिस, या गालिब, या नूरिया, ये सारे लोग, ये आप सब लोगों को गाइड करें। हर बंदा इस सिचुएशन में नहीं होगा कि वो लोगों को गाइड करे कि ये मेजॉरिटी को ये बात समझ नहीं आएगी, आपको उनको बहुत ज्यादा बताना पड़ेगा, और मेजॉरिटी फिर मेजॉरिटी को फॉलो करेगी। जब ज्यादा लोग मेजॉरिटी इस तरफ एथिज्म की तरफ या यू नो ए रिलीजियस हो जाएंगे, तो जो सिंपल माइंडेड लोग हैं वो आपको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दे आर जस्ट द फॉलोअर्स, दे आर एंड लीडर्स आर फ्यू पीपल हु आर टेलिंग देम कि ये गलत है, आपने उनको निकालना है। तो इसलिए मैं हमेशा आइडियोलॉजी को क्वेश्चन करती हूँ, जो उसके फॉलोअर्स हैं ना मैं उनको इतना एड्रेस नहीं करती, क्योंकि
मैं किसी को कभी अपने मैंने चैनल पे किसी को मुस्लिम मुसल्टा या हिंदू या ज्यू कह के एड्रेस नहीं किया। उसकी वजह यह है कि आपको हमें मुर्तद या मुलहद का नाम दिया गया है, यू नो, हमें एक तरह से ये डिह्यूमनाइज किया गया है। वो व्हाई आर यू पुटिंग लेबल्स ऑन अस, ठीक है, वी आर जस्ट फ्री थिंकर्स, वी डोंट बिलीव दीज रिलीजन्स आर ट्रू। तो जब आप किसी को एड्रेस करते हैं कि ये जो मुस्लिम आ गया या हिंदू आ गया, तो आप बेसिकली डिह्यूमनाइज कर रहे हैं उनको। आप वही कर रहे हैं जो हमें किया जा रहा है, तो आप में और उनमें फर्क नहीं रह जाता। आइडियोलॉजी को क्वेश्चन करना चाहिए, बिकॉज आइडियोलॉजीज हैव प्रॉब्लम्स। जो फॉलोअर्स हैं वो तो बचपन से, अगर आपने किसी के कान में अजान दे दी है तो वो तो, और सारे फैमिली फ्रेंड्स उसको रीइन्फोर्स कर रहे हैं, इट्स डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दैट। जो लोग निकलते हैं बड़ी मेहनत से निकलते हैं, मतलब मैं मेहनत से निकली हूँ, अपनी सोच कर निकली हूँ। आपकी मजहबी ब्रेन वॉशिंग आपके ब्रेन सेल्स को डेड कर देती है। और जो लोग, मैं कहती हूँ कि जो इससे निकल कर आते हैं, दे आर सर्वाइवर्स ऑफ द ब्रेन वॉशिंग। इतनी हैवी ब्रेन वॉशिंग की जाती है आपकी मजहबी ब्रेन वॉशिंग, के उससे निकलना बड़ा मुश्किल काम है। डॉक्टर मदिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं समझ सकता हूं कि कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए जब आप जब फाइनल पॉइंट पे पहुंची होंगी कि नहीं यार, ये सारी जो चीजें हैं, जितना मुझे सिखाया गया था, इस्लाम बताया गया था, ये तो एक मैनमेड चीज है, एंड यू नो इट्स ऑफ नो यूज फॉर ह्यूमैनिटी। अभी आप जो है वो डॉक्टर भी है, फिजिशियन भी है, भले से आप यूएस में हैं, लेकिन आप चेहरे के साथ अपना एक्टिविज्म कर रही है। तो मेरा सवाल ये है कि, और बड़े खुले तरीके से आप बोल भी रही है इस्लाम के बारे में क्या प्रॉब्लम है, जो कि एक बहुत से मोमिनों के लिए जितना आपने कहा उतना ही बहुत बड़ी गुस्ताखी है उनके लिए। मतलब आपने रसूलुल्लाह की या अल्लाह की या इस्लाम की आपने गुस्ताखी कर दी है, एंड वी हैव सीन के इनके साथ क्या हुआ, अपने जो आपने जिनका नाम लिया था, सलमान सलमान रुश्दी साहब का। तो आपको थोड़ा ये डर नहीं लगता, भले से आप यूएस में हैं, कि आपके जो पेशेंट्स हैं उसमें मोमिन हजरात भी होंगे, तो डर नहीं लगता कि यार कोई मुझे देखने वाला आ जाए और यू नो ही कैन ट्राई टू हार्म मी, इस तरीके के ख्यालात आपको नहीं आते? पता नहीं, मैं इतनी ओपनली ब्लास्फेमी तो नहीं करती। जिस तरह प्रॉफिट को मैंने बड़े, मतलब हमेशा मैं इज्जत से ही बुलाती हूँ, प्रॉफिट ही कहती हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर किसी की कोई, मतलब किसी शख्सियत की कोई इज्जत लोग करते हैं, यू नो 1.8 बिलियन लोग, तो आप भी उनको इज्जत से ही बुलाएं। हाँ, ये क्वेश्चंस हैं मेरे, लाइक वी हैव वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस का इनके पास जवाब नहीं है। तो मतलब मैं, आई डोंट रिमेम्बर कि मैं अपनी वीडियोस में मैंने कभी भी किसी की भी इंसल्ट की हो। ये क्वेश्चंस हमारे बड़े जेन्युइन हैं, इनके पास जवाब नहीं है। मैं चाहती हूँ कि लोगों में, मुसलमानों में ह्यूमिलिटी आए, कि ये जो फेथ है, ये आपका फेथ है, ठीक है, आपका दावा है। आपको जो अगर कहा जाए कि आप अल्लाह को प्रूव करें, साबित करें, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप फिर आप ये एटलीस्ट ये एडमिट कर लें कि ये हाँ हमारा फेथ है, हम अल्लाह को साबित नहीं कर सकते। ह्यूमिलिटी अपने अंदर लाएं। मुझे, आई डोंट नो, मुझे डर नहीं लगता। अमेरिका में तो ऐसा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मैं अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज कर रही हूँ। अब तक तो मुझे नेगेटिव, मेरे चैनल पे भी बहुत पॉजिटिव है मेरा फीडबैक, क्योंकि मैं आइडियोलॉजी को डिस्कस करती हूँ, मैं उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको डीमोनाइज नहीं करती। तो मेरा ख्याल है, मेरा शायद इस वजह से जो लोग मुझे, बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं मेरे, जो मेरे चैनल पे आते हैं, कई दफा मुसलमान भी आते हैं और बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, इसलिए कि मैं उनके लिए मैं रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। मैं सिर्फ आइडियोलॉजी के ऊपर बात करती हूँ और आइडियोलॉजी को मैं चैलेंज करती हूँ, और मेरे क्वेश्चंस हैं उनके पास जवाब नहीं है। अमेरिका में आई फील सेफ। आई डोंट नो इफ आई कैन गो टू पाकिस्तान। आई एम प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू गो टू पाकिस्तान, बिकॉज यू नो प्लीज मत दहरावान, जाइएगा। या लेकिन मैं ये कहती हूँ कि लोगों में, मजहबी लोगों में ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, आप में इनकिसारी आनी चाहिए, कि आपका भी मजहब, अगर बाकी के 4,000 मजहब गलत हैं, तो आपका भी गलत ही है, आपका भी मैन मेड ही है, वरना आप साबित करें। दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मदिया जी का खुद का चैनल है, डॉक्टर मदिया जी का, और
आप लोग इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, खास करके इनका जो फोकस है वो फीमेल इश्यूज जितने हैं इस्लाम में उसको एड्रेस करने की वो कोशिश करेंगी अपने चैनल के जरिए से। आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और एक चीज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक चीज क्लेरिफाई कर देता हूं कि देखिए हर एक की अलग अलग राय होती है। आप लोगों को पता है कि जो एक्स मुस्लिम बन जाता है जरूरी नहीं कि सबकी जो सोच है वो सेम हो, ठीक है। एक सोच तो हर एक्स मुस्लिम की मुत्तफिका तौर पे ये होती है कि इस्लाम वो मजहब नहीं है, इस्लाम एक कल्ट है, इसमें इंसानियत के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो एकदम जो है हर किसी का सेम होता है। उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो नाउ ही हैज मेनी ऑप्शन। अब वो एथियस भी बन सकता है, वो कोई दूसरा रिलीजन भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो हर एक एक्स मुस्लिम की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। हमारी अंडरस्टैंडिंग या मेरी अंडरस्टैंडिंग आप सभी लोगों को मालूम है कि मेरी सोच बिल्कुल साफ है कि एक इंसान इस्लाम से बाहर निकल के वो कोई भी मजहब इख्तियार कर सकता है टिल द टाइम उसने बहुत अच्छे से उस मजहब का मुताला किया, सारी चीजें पढ़ा। क्योंकि जो क्या कहते हैं उसको, कहावत है ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो अगर आप एक कल से बाहर निकल रहे हो, यू हैव टू बी डैम श्योर कि आप अगर दूसरा कोई आइडियोलॉजी एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी किताबें क्या कहती है, कितना ओपननेस है उसमें, कितना अकोमोडेट करता है वो चीजों को, ये सारी चीजें परखने के बाद, जांचने के बाद, देन यू हैव टू गो फॉर दैट रिलीजन। आई डोंट हैव एनी इशू कि भाई कोई एक्स मुस्लिम बनता है। बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि यार वो खुदा के बिना नहीं रह सकता, मतलब उसको ये तो समझ में आ गया कि अल्लाह जो है वो खुदा नहीं है और ये नार्सिसिस्ट है, लेकिन खुदा के तसव्वुर के बिना ही फील्स दैट एम्प्टीनेस, वो नहीं जी सकता, उसको चाहिए कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी के लिए, एक सुप्रीम बीइंग चाहिए उसको, एक साइकोलॉजिकल वेलनेस के लिए। तो आई डोंट हैव एनी इशू किसी को कोई स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई खुदा पसंद आता है। अ पर्सन इज टोटली यू नो हैव ऑल द राइट कि वो कोई भी मजहब में जाए टिल द टाइम ही हैज यू नो रेड दैट आइडियोलॉजी, अंडरस्टूड दैट एंड देन एक्सेप्टेड दैट। सिमिलरली अगर कोई एथियस्ट बन जाता है तो ये उसकी अपनी चॉइस है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एंड वी शुड नॉट हैव यू नो वी शुड नॉट हेट पीपल फॉर हैविंग दैट काइंड ऑफ यू नो आइडियोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग। व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज, चूंकि हम इंसान हैं और एक बेस्ट तरीका ये होता है कि वी कैन हैव आर्ग्यूमेंट्स इन अ गुड वे, हम एक दूसरे के ख्यालात पे क्वेश्चन कर सकते हैं, उस पे बहस कर सकते हैं, उस पे डिबेट कर सकते हैं, एंड यू कैन प्रूव द अदर पर्सन राइट रॉन्ग, और या अपने आप को आप सही साबित कर सकते हैं। तो सिमिलरली यही मामला है मदिहा जी का। फॉर हर ऑल द रिलीजन्स यू नो आर मैन मेड और इंसान को रिलीजन की जरूरत नहीं है, सो वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, शी हैज द चैनल, उनका चैनल है, वहां पे जाके यू कैन क्वेश्चन हर बिलीफ, क्वेश्चन हर अंडरस्टैंडिंग, और उनसे आप बातें कर सकते हैं। तो मदिहा जी, छोटी सी एक छोटा सा मैं इसमें कमेंट कर दूं कि देखें, मैं ये समझती हूं कि अगर मजहब, मैं ये कहती हूँ कि जो मजहब है ना वो एक पर्सनल मैटर है। हम अमेरिका में एक चीज होती है सोशल सिक्योरिटी, एक नंबर होता है जो हर इंसान को मिलता है, जो भी जो यहाँ के सिटीजन है, और वो आपने प्राइवेट रखना होता है। वो जब आप कभी बैंक खोलते हैं तो आप सोशल सिक्योरिटी देते हैं। मेरे ख्याल में मजहब को इस तरह से एक प्राइवेट मैटर होना चाहिए, एक सोशल सिक्योरिटी नंबर की तरह। आपको जाके ऐलान करने की जरूरत नहीं, मेरा ये मजहब है, मेरा ये मजहब है। मतलब तब आता है जब आप ये सोचते हैं बस आप ही का मजहब ठीक है, बाकी लोगों का मजहब गलत है, और फिर आप कोशिश करते हैं कि आप अपने मजहब को फैलाएं, फिर आप दूसरों को यू नो जबरदस्ती उन पे करें कि ये जो है ना बस यही ठीक है, इसी को फॉलो करो, आपने इस रंग के कपड़े पहने हैं, आपने इस तरह से ड्रेसअप होना है। आपको आपको पर्सनली जिसने जो भी मजहब फॉलो करना है वो करे, लेकिन मसला तब आता है जब आप एनफोर्स करते हैं दूसरों पर
दूसरों पे थोपते हैं और उसके बाद अपने लॉज लाते हैं दूसरों. मेरा ख्याल है कि एज अ ह्यूमन वी ऑल हैव द राइट टू एग्जिस्ट द वे वी वॉन्ट. आप जो भी मजहब को फॉलो करते हैं उसको फॉलो करें, अपने दिल में रखें, दूसरों पे आपको थोपने की जरूरत नहीं है. मसला तब आ रहा है जब यहाँ दुनिया में लोग एक एक दूसरे पे अपना मजहब थोप रहे हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. वाओ गाइस, अगर मधिया जी के लिए आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप सुपर चैट के जरिए से जल्दी से क्वेश्चन कर सकता है ताकि मैं उनसे वो चीज ले लूं, मतलब उसका जवाब ले लूं. और दूसरी चीज के एडम साहब से अभी मेरा चैट पे बात हुई है, ही इज फाइन, ही विल जॉइन अस इन सम टाइम. तो आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें एडम साहब की, वो खुद आके आप लोगों को बता देंगे क्या मामला हुआ था. और वो अभी थोड़ी देर में जल्दी से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे. किसी के पास कोई क्वेश्चन है मधिया जी के लिए, जल्दी से जल्दी आप लोग भेजिए. और जो फ्री मेंबरशिप हमारे मार्स इनकमिंग भाई ने दी है 50, उसको जल्दी से क्लेम कर ले. उसके अलावा हमारे और एक भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की थी, वो भी आप लोग जो है वो क्लेम कर ले. स्टेप जो है हमारे मॉडरेटर्स आप लोगों को बता देंगे. जॉन रैम्बो जी आपको कह रहे हैं तो मधिया जी के यूएसए हैज मेनी रेडिकल मुस्लिम्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेफ्टी एंड डोंट ट्रस्ट मोमिन्स, प्लीज दे कैन टॉक स्वीटली एंड देन डिसीव यू. ये एक आपके लिए एक एडवाइस थी. थैंक यू. मार्स इनकमिंग भाई ने 50 मेंबरशिप और गिफ्ट किया, थैंक यू सो मच. कह रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज वुमेन रिपोर्ट्स रेप, वुमेन गेट्स चार्ज विद अडल्ट्री एंड हैंग, वुमेन स्टॉप रिपोर्टिंग रेप, नाउ देयर इज नो रेप. ताड़ा, बिल्कुल आपने ये सही कहा है कि इस तरीके की बातें तो होती है. जॉन रैम्बो कह रहे हैं, और उसके बाद फिर इनका दावा होता है कि भाई देखो इस्लामिक कंट्रीज को देखो, वहां पे जो क्राइम रेट है वो काफी कम है. तो भाई जब रिपोर्ट ही नहीं होंगे केसेस तो क्राइम रेट जो है वो आपको दिखेगा कहाँ से. तो बड़ा अच्छे तरीके से आपने बताया है. और ये तो हमने ले लिया था जॉन रैम्बो भाई का मैसेज. साहिल की रोलेक्स वॉज इस्लाम जस्ट वेरी बैड नॉट अदर रिलीजन दैट बैड, ये बात से मैं आपकी अग्री करता हूँ. अजय भाई कह रहे हैं थैंक्स टू गॉड एडम इज फाइन एंड शाइन, ही विल जॉइन अस सून. श्रेया नेडार जी मेंबर बनी है. किसी के लिए अगर कोई सवाल है तो जल्दी से भेजिए ताकि मैं इनसे ले लूं. नूरिया जी का भी एक मैसेज आया था, वो भी ले लेता हूं मैं. आई हर्ड दैट आप लोग साथ में कई सारी स्ट्रीम करते हैं, तो नूरिया जी के साथ भी मैंने एक शो किया था. मेरे ख्याल से 2 साल पहले हमने एक शो किया था. तो अगर किसी को देखना है वो पॉडकास्ट तो आप मेरे चैनल पे पुरानी वीडियोस में जाकर चेक कर सकता है. नूरिया जी कह रही हैं प्लीज तमीज से पेश आया करे गेस्ट से, खवातीन वैसे कम सामने आती है. डॉक्टर मदिया की तरह बदतमीज कमेंट से बाकी भी डिस्करेज होंगे. बिल्कुल आपने सही फरमाया है. और हमारे मॉडरेटर्स बैठे हुए हैं, कोई इस तरीके से हरकत करे तो उनको टाइम आउट और ब्लॉक करने के लिए. लूसीफर मॉर्निंग स्टार कह रहे हैं सिर्फ वेदांत ही साइंस की कसौटी पर खड़ा उतर सकता है, बाकी हिंदुइज्म के पुराणों में भी अवैज्ञानिक बातें लिखी हुई है क्योंकि पुराण कुरान बाइबल सब मनुष्यों ने ही लिखे. थैंक यू सो मच लूसीफर भाई आपकी बात रखने के लिए. और ह्यूमैनिटी अबाउ ऑल कह रहे हैं द गोल इन दिस कल्ट इज टू गो टू जन्नत बट वुमेन कैन ओनली बी ये क्या है वुमेन कैन ओनली बी brothel madams no judge doctor lawyer ngo worker etc who fight such evil can accept this ideology. bilkul aapne ye baat jo kahi hai last ki bilkul sahi kaha hai. aur kiran naidu any news about adam bhai worried adam bhai sahi hai aur abhi thode der mein join karenge. iw keh rahi hain your courage and openness is so inspiring madiha, ye aapke liye hai. नीरव भाई कह रहे हैं क्या सऊदी में हदीस बैन है एंड क्या सऊदी चेंज हो रहा लेकिन फीमेल गाड़ी चला रही, स्मृति ईरानी का मक्का मदीना जाना एक्सेट्रा, और कैसे रहेगा वो चेंज. भाई सऊदी में हदीस सारी की सारी हदीसें जो है वो बैन नहीं की गई है. उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ जो है वो मुतवातिर हदीस को मानेंगे. और दूसरा हाँ चेंजेस आ रहे हैं वहां पे, और इससे बहुत ज्यादा चेंजेस अभी जो है आने वाले कुछ सालों में आपको नजर आएंगे. एंड ऑल क्रेडिट गोज टू MBS जी मोहम्मद बिन सलमान साहब, उनकी देख रेख में ये सारी चेंजेस आ रहे हैं. ऑफ द रिकॉर्ड करे दीन रिलीजन और धर्म दे आर नॉट सेम, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ भाई. लुकस भाई करे इट्स इनफ इफ समवन लेफ्ट इस्लाम, इट डजंट मैटर टू हिंदू विच रिलीजन यू चोज, हिंदू नॉट हैड प्रॉब्लम विद इस्लाम इफ इट हैड नॉट प्रीच हेट टुवर्ड्स एवरीवन. बिल्कुल सही आपने फरमाया लुकस भाई.
और अनिंदिया बसु कह रहे हैं आपने किस में स्पेशलाइजेशन किया है? इन्फेक्शियस डिजीज। ओ इन्फेक्शियस डिजीज में, वाह। अच्छा एक मैं कभी कभार थोड़ी कॉमेडी भी कर लेता हूँ डॉक्टर मदिया जी, चूंकि आप डॉक्टर भी है एमडी भी है, ये इतने ब्राइट और वाइट दांतों के लिए कुछ टिप्स हमें भी और हमारे दर्शकों के लिए भी दीजिए कि आपकी तरह इतने साफ सुथरे और चमकते दांत पाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए। अच्छा वो आजकल तो वो क्रेस्ट व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स आती हैं, पता नहीं यहाँ अमेरिका में तो मिलती हैं, इंडिया में भी मिलती होंगी, इंडिया इज क्वाइट। क्या बताया आपने नाम? क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। अच्छा नहीं वो मेडिकल में जाके देखना पड़ेगा क्या चीज है। व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स होती हैं वो, आप उनको ना एक स्ट्रिप आती है उसको आप यू नो काट के यू लगा लें, रात को लगा लें और सुबह उठें तो आपके दांत व्हाइट। अरे वाह व्हाइट हो जाए, चलो ये तो अभी ट्राई करना ही पड़ेगा। अरे वो ट्राई नहीं किया साहिल साहब नमस्ते। अरे वो गुल 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 बहुत काम देता है गुल। अरे गुल में लेके अच्छा भी होता है ना भाई। हाँ अच्छा रुको मैं आ रहा हूँ बता रहा हूँ। लोग वैसे बेकिंग सोडा वगैरह भी लगाते हैं लेकिन ये चीजें जो टोटके ना, अगर ये स्ट्रिप्स हैं इजी हैं, आप उठाएं लगा लें, जिस तरह एक स्टिकर होता है ना, तो बेकिंग सोडा तो आपको एफर्ट करनी पड़ती है स्पेशली रगड़े दांतों पे और ये वो, सो दैट कैन बी डन टू, दैट्स चीपर आई थिंक। ठीक है दैट्स गुड, लेकिन आपने जो बताया मैं जरूर कोशिश करूंगा, जो केमिस्ट है वहां पे अगर मिल जाए तो हम जरूर उसका इस्तेमाल करेंगे। साहिल कि आपको मैंने yes. आपका एक बहुत फेमस हुआ था प्रोग्राम, उसी से मुझे आपका पता चला था, जो आपकी मुल्ला इंडिया टीवी वाले जी मुल्ला साहब की डिबेट हुई थी, तो आप उसमें तो आप फुल फेस के साथ आए थे, अब आप अपना फेस कवर करते हैं, व्हाट इज द रीजन? हाँ मैं बताता हूँ, असल में मैं जब चैनल स्टार्ट किया था तो मैं अपना फेस छुपा के ही मैं एक्टिविज्म स्टार्ट किया था, तो मेरे कुछ दोस्तों ने मेरी आइडेंटिटी लीक की थी, फिर आपके पाकिस्तान के मुफ्ती बमदर्द साहब है उन्होंने बाकायदा मुझे धमकियां देना शुरू करी कि आप जो है वो एडम साहब जो हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन है उनको आप हटा दो वरना मैं आपकी आइडेंटिटी सब लोगों के सामने लीक कर दूंगा। तो मैंने कहा कि इस तरीके से डरा के आप मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकते, तो उन्होंने फिर मेरी आइडेंटिटी पूरी लीक की, सारे लोगों को बताया मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या पढ़ाई की है, क्या काम करता था, कैसा था, सारी चीजें उन्होंने बताई। उसके बाद फिर मैंने कुछ दिनों के लिए अपना चैनल बंद किया, फिर से स्टार्ट किया, फिर मुझे न्यूज चैनल से बुलावा आया और वहां पे, और चूंकि इन्होंने मेरी आइडेंटिटी लीक कर दी थी तो मैंने बोला कि चलो खुल के ही आते हैं, फिर तो मैं फेस के साथ फिर वहां पे इंडिया टीवी पे भी गया, लेकिन फिर मुझे बाद में ऐसा लगने लगा चूंकि मैं अभी इंडिया में हूँ भारत में हूँ और भारत में अभी माहौल इतना यूएसए या वैसा नहीं है कि आप खुल के एक्टिविज्म कर सको, यहाँ पे अभी भी खतरा है जो एक्स मुस्लिम्स है उनके लिए, या एक्स मुस्लिम अगर इन जनरल आप नहीं भी ले लो उन लोगों के लिए जो खुल के एक्टिविज्म कर रहे हैं और इस्लाम की हकीकत लोगों को बता रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अभी यार 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर है फिलहाल, तो जब ये और बढ़ेंगे तो मिलियंस में जाएंगे तो हो सकता है कि मेरा खतरा और बढ़ जाए और जो मेरी सोशल लाइफ है उसको मैं हैम्पर नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस वजह से मैंने फिर फेस के साथ आना बंद कर दिया ताकि लोग मेरी शक्ल जो है वो भूल जाए, और मैंने अभी अपनी शक्ल जो है बहुत चेंज कर ली है, तो कोई अगर मुझे उस शक्ल से पहचानता भी है तो वो अभी नहीं पहचानेगा। तो एक तो ये है कि थोड़ा खतरा भी टल गया और मैं मेरी सोशल लाइफ को खत्म नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को घूमने फिरने की अभी आदत हो गई है, दोस्तों से मिलना जुलना भी मेरा रहता है, तो इस वजह से मैंने फेस के साथ आना बंद कर दिया। होपफुली जब मैं वैसा माहौल बन जाएगा हमारे भारत में तो फिर से मैं खुल के आना शुरू कर दूंगा। अच्छा मैं एक यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। और धर्मा सिर्फ 10 सेकंड देना मुझे डॉक्टर मदिया जी, क्योंकि हमारे सबसे प्यारे सबसे न्यारे और मुर्तदों की शान और मोमिनों के लिए एक उलझन, इल्म का समंदर, सबसे प्यारे हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब आ चुके हैं, फर्शी सलाम के साथ आपका इस्तकबाल किया जाता है। एडम सीकर साहब कैसे हैं आप? लोग परेशान थे, मुझे तो पता नहीं था, लोगों ने बताया, फिर हम भी परेशान हो गए, तो हाउ आर यू नाउ?
सर थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद, आपने मदिया जी को बुलाया। मदिया जी थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं वेस्ट में और बड़े जबरदस्त तरीके से कर रही हैं। साहिल भाई आई एम डूइंग गुड यार, अल्लाह का अजाब नाजल हुआ लेकिन मेरी गाड़ी के ऊपर हुआ, मैं बच बचा गया, तो आई एम ऑल गुड, आई एम ऑल सेफ, सब ठीक है। आप सब लोगों की दुआएं हैं, बेस्ट विशेज हैं जो मेरे साथ हैं, तो कुछ नहीं होने लगा, तो इट्स जस्ट जस्ट व्हीकल एक्सीडेंट, तो व्हीकल कर लेंगे कुछ ना कुछ, नहीं ले लेंगे। यानी यानी आपने मोमिनों को खुशी देते देते खुशी छीन ली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके अच्छा मदिया जी कुछ पूछ रही थी, वो सवाल पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद इवन यू कैन हैव। सनातन धर्म है जो आपका, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, मैंने हमेशा पढ़ा सनातन धर्म, सनातन धर्म ठीक है। अच्छा अब मुझे इसका ज्यादा पता तो नहीं, लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि अगर आप बिलीव करते हैं या करना चाहते हैं अपने रिलीजन पे, आई डोंट हैव, मैं नहीं मानता हूं किसी चीज को। मदिया जी आई एम, मैं अपना एक अलग रिलीजन बना रहा हूं, उसका नाम साइलिज्म रहेगा। अच्छा। मैं किसी को नहीं मानता हूं, मैंने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई अगर किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। देखिए आइडियोलॉजी लोगों को राइट है, आप मजहब कभी भी दुनिया से खत्म नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि जो मजहब है ना वो आपको जहन ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स को एक्टिवेट करता है, वही खुशी जो आप कभी कोई भी कोई गेम कर रहे हैं, लोग सेक्स करते हैं या ये रिवॉर्ड सेंटर ब्रेन के एक्टिव होते हैं, इसलिए जो लोग मजहबी होते हैं फिर वो और होते चले जाते हैं क्योंकि आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। लोग कहते हैं ना मुझे बड़ा सुकून मिला नमाज पढ़ के, सुकून मिला चर्च में जाके, सुकून मिला मंदिर में जाके, वो उसकी वजह है कि रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट होता है। इस वजह से क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वल्नरेबल हैं, वो मजहब वो नहीं छोड़ सकते मजहब को या गॉड के कॉन्सेप्ट को। हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आपका क्या मजहब है, प्रॉब्लम यह है कि आपका मजहब कितना टॉक्सिक है लोगों के लिए। और उसमें मैंने तो सिर्फ कुरान इस्लाम ही पढ़ा है और देखते हैं जो हो रहा है उसमें आप ये देखेंगे कि इनका सिर्फ ये नहीं है कि मुसलमानों का कि वो उन्होंने अपने तक रहना है। अगर आप अपने तक अपने मजहब को रखें ना, नोबडी वुड हैव इशू, मुसलमानों से भी किसी को इशू नहीं होगा। लेकिन मसला यह कि वो चाहते हैं दूसरे भी उसको फॉलो करें, उसी को सही माने, ये सारे दुनिया में फैल जाए, औरतें घरों में बंद हो जाए, दैट इज व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप फिर अपने ऊपर नहीं रह रहे हैं। तो इसीलिए जो लोग मुझे सनातन धर्म की जो आगे आके बात करेंगे, देखें अब मैंने तो अपना माइंड बना लिया है, आई फॉलो कॉमन सेंस, आई एम एन एथियस्ट, आई एम ए फ्री थिंकर, आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस। आपको सनातन धर्म मेक सेंस करता है, प्लीज फॉलो इट एज लॉन्ग एज इट डजेंट हैव एनीथिंग दैट अफेक्ट्स अदर्स। अगर इस्लाम में भी लोग सिर्फ इसी पे हम्बल हो जाए कि हाँ ठीक है शायद हमारा भी गलत हो सकता है, हम नहीं प्रूफ दे सकते, और हम्बल होके बैठ जाए, सिर्फ अपने तक रखें, वी डोंट हैव प्रॉब्लम। The problem we have it when you are so aggressive and you're killing people and you're being toxic. That is the problem. So, ek line to draw karni padegi na. Bilkul. Thank you so much, Madiha ji, for joining us. और सारे लोगों से फिर से request है कि आप लोग Madiha ji के channel को subscribe कर ले, बहुत जरूरी है। और आपका कुछ fix schedule होता है या फिर आप का मतलब कभी भी आप लाइव आती है, इफ यू नो एनीवन वांट्स टू नो? क्योंकि मैं जॉब भी करती हूं, आई डोंट डू दिस फुल टाइम, मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं उठ के जो मेरे दिल में आता है, कभी कोई इशू चल रहा हो तो मैं उठ के वीडियो बना लेती हूं, इट्स जस्ट डिपेंड्स। कभी मैं स्केड्यूल वीडियोस भी होती हैं, आप प्लीज मेरे चैनल पे जरूर आएं, अगर इसको एडम सीकर को भी, और यू नो जस्ट आई जस्ट फील लाइक ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, हम सबको वी शुड ऑल जॉइन फोर्सेस, एवरीबॉडी इज डूइंग देयर जॉब, लेकिन इतने कम लोग हैं जो ओपनली बात करते हैं इतने प्लेटफॉर्म्स पे। आई थिंक वी ऑल शुड जॉइन फोर्सेस ताकि हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी है कि हम सब लोग मिलके ये काम करें, क्योंकि हम सबको थ्रेट्स हैं, एवरीबॉडी हु वांट्स टू, और हम थोड़े ऐसे बात करें कि लोग सब हमारी बात को सुने और हम हमारी बात में मैसेज में नफरत ना फैले लोगों में, लोगों को पता चले कि हमारा मैसेज जो है वो पॉजिटिव है, वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट हेट बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन हिंदू मुस्लिम और बिटवीन एनीबडी एल्स, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक पीपल अवेयर कि ये कितना नुकसान हो रहा है इंसानियत का।
बिल्कुल। देखिए हमारे साथ और एक एक खातून जुड़ चुकी है भारत से, एक्स मुस्लिम एंजल जी है, ये भी एक्टिविज्म करती है, तो आप इनको इनके चैनल पे भी आइए, इनको अपने चैनल पे भी बुलाइए, सो दैट यू नो एक लगे कि यार एक्स मुस्लिम खवातीन जो है इनमें दम है और ये एक्टिविज्म बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कर रही है। और एक वो जो मैंने कहा था कि जो मोमिनाएं हैं उनको भी एक जो फीलिंग है, जो शर्म आती है खास करके, या दे डू नॉट फाइंड इट अप्रोप्रिएट, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो वो मर्द हजरात से बात करे, तो आप लोग मौजूद है जो इनके साथ बातें कर सकते हैं और उनकी बात सुन सकते हैं, वो क्या कहना चाहती है और आप क्या कहना चाहते हैं, तो एक डिस्कशन आप लोगों के चैनल पे हो सकता है।